हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द व्लॉग। तो भाई दो छोर आए हैं, क्यों आए हैं उनसे अभी पूछ लेंगे। वैसे गाइस आपको पता होगी, अगर मैंने टाइटल में लिख दिया होगा, नहीं लिखा होगा तो भी जान लेंगे। हाँ भैया, इनका नाम है सजाद है, अजयद है, ठीक है, यहीं पास में रहते हो। हाँ। चलो आ जाओ, पहले तो इनका थोड़ा सा इंटरव्यू ले ले। व्लॉग देखते हो छोरो? जी, व्लॉग देख के ले आयो। तो गाइस दोनों छोरे व्लॉग देखते हैं हमारा, और मैं साइंस प्रोजेक्ट बनाता हूँ बच्चों के, तो ये मेरे आसपास ही रहते हैं। घर ने पता लग गई और भैया आ गए। तो भैया कुछ सोचा? कुछ भी सोचा एक्सपेरिमेंट को, कुछ भी साइंस के बारे में? LDR से। और नहीं सोचा? अरे यार एक तो लाइट खोलो, एलियन जैसे चेहरे लग रहे हैं। कुछ तो सोचा होगा, एक ही बनाना, एक ही बनाना। कोई प्रोजेक्ट सोचा दिमाग में? LDR का। और सामान सामान लाया? LDR ना मिला? कहाँ से ना मिला? दुकान पर। अच्छा ये लाया सामान। तो भैया ये रही एक बैटरी, और ये रहे दो कैप, और ये रहा एक डीसी मोटर। क्या प्रोजेक्ट बनाना है इसका? आ जाओ घर को, आ जाओ, कोई टेंशन नहीं। फैन बनाना और फैन ही बनाना, एक ही चीज बनानी। एक मोटर से दोनों का काम हो जाएगा? यस। ऐसे कैसे हो जाएगा, अलग अलग होता है ना, एक ही चीज बनानी है दोनों। ये रहा कुछ इनका मोटर, और आई थिंक 140 या 130 नंबर मोटर है, और एसी चलाना पड़ेगा क्योंकि गर्मी आ गई। तो भैया पंखे से गुजारा हो जाना चाहिए। अभी भाई बिल्कुल नहा आया हूँ, और अभी से ही इतनी गर्मी लगने लगी, पसीने पसीने हो गए। अभी छोरो कौन कौन सी क्लास से पढ़ो? सेवन। सारे सेवन क्लास? क्या दोनों सेवन क्लास में? दोनों भाई यस्तर बहुत बोल है। अरे भाई हूँ भाई, मैं भाई हूँ, बड़ा भाई तुम्हारा, कोई टेंशन नहीं। यस सर, वैस सर, कोई टेंशन नहीं। जी भाई, जी समर भाई। खैर ले लो भैया, कैसा प्रोजेक्ट बनाना? LDR का। LDR है? LDR नहीं मिला तो डार्ट फैन बना लो, सेवन क्लास में चलेगा क्या यार? क्यों तेरे टेंशन ले रहे हो? मैं मदद नहीं करूंगा प्रोजेक्ट बनाने में, खुद बनाओगे वरना बच्चे आएंगे मेरे पास, सर समर भैया हेल्प करते हैं बहुत ज्यादा, अब बाबा करूंगा। ठीक है तो भैया आज बच्चे खुद बनाएंगे, साइंस प्रोजेक्ट इनका प्रोजेक्ट है, सेवन क्लास में पढ़ते हैं। अमन भाई थे जिनका मैंने प्रोजेक्ट बनाया था, वो भी सेवन क्लास में पढ़ते हैं। वो तो काफी छोटे थे, तुम तो काफी बड़े बड़े हो। लेट बैठे थे क्या? थोड़ा लेट हो गए कोरोना की वजह से। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। फटाफट बनाना शुरू करो, कुछ भी जरूरत पड़े, वायर की, सोल्डर आयरन की, सोल्डर की, या किसी भी चीज की। LDR देखता होगा मिल जाए तो, वरना तुम सिंपल फैन में रहो, मैं प्रोपेलर दे दूंगा लाके। अभी तुम सेवन क्लास हो, इतना दिमाग तुम डालो, जो जब नाइन्थ में टेंथ आओगे, इलेवन आओगे, जब थोड़ा बड़ा प्रोजेक्ट बनाएंगे। चलो फटाफट मैं सोल्डर आयरन लगा देता हूँ। ठीक है ये रहा हमारा सोल्डिंग आयरन, और ये लगाते हैं इसे यहाँ से। चलो फैन बनाने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए? पंखड़ी। बाकी तुम्हारे पास सब है? अच्छा ढक्कन क्यों लाए? कैप की क्या जरूरत है? ऐसी है ना, मेरे पास तो बहुत पड़े हैं यार ये, चलो इसे रख दो साइड में। तुम्हें एक पंखड़ी चाहिए, यानी कि प्रोपेलर, प्रॉपर प्रोपेलर चाहिए तुम्हें। प्रोपेलर का मेरे पास पूरा डिब्बा है, मैं भाई को लाके देता हूँ अगर वो मिल जाए तो। देखो तो तुम बनाओ। बच्चे व्लॉग देखते हैं ना, तो भैया पहले तो मैं व्लॉग नहीं बनाता था, लेकिन अब मैं व्लॉग बनाने लगा तो बच्चे मेरा व्लॉग काफी देखते हैं, इसलिए आ जाते हैं वो कि भाई मैं प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, हेल्प करता हूँ। तो मैंने सोचा कि भाई अब मैं हेल्प कम करूंगा, इनसे बनवाऊंगा, है ना गाइस, वरना दिक्कत हो जाएगी कि सब मेरे पास है। आने मुझे कोई दिक्कत नहीं, आ जाओ, मोस्ट वेलकम भाई आप सबका। यहाँ आओगे तो कहाँ होगे भाई के पास, है ना। तो भाई बहुत प्रोपेलर है, के अंदर प्रोपेलर ही प्रोपेलर। लो भैया प्रोपेलर भी निकाल लो इसमें से, देखो सब रखा है थी, और यहाँ से देखो और निकाल लो इसमें से। लो इतनी तो बहुत है, एक चीज है ले लो, एक छोटी चीज है ना तो छोटी भी है इसके अंदर, ये छोटी छोटी। हाँ ये रही, ये निकल जाएगी, ये निकल लो, पर ये दिक्कत हो जाएगी, मोटर हल्का है, प्रोपेलर भारी है, बढ़िया है। ये लेके देखो, ये हल्की है इसके मुकाबले, मोटर के हिसाब से तो लाओगे प्रोपेलर। ये मुझे तो भारी लग रही है, इसके हिसाब से जो ना थोड़ी छोटी प्रोपेलर आती है। एक काम करो ये लगाओ, ठीक भर दो, मेहनत करो। देखो सब गंदा हो रहा है, कितनी साफ करूंगा मैं, खोल का फटाफट पे लिखा भी प्रोपेलर। भर दो स्पीड से फटाफट, छोड़ो तुम आराम से भर दो, तुम्हें वीडियो की स्पीड फास्ट कर दूंगा। अरे बस यार, कोई बात नहीं, छोड़ यार बनाओ। क्या चाहिए? यहाँ पोटी कर रखी है चुहियों ने, ये रहा वायर, वायर ये रहा। कोई सा कलर का चाहिए? चलो कोई सा ले लो यार, दो कलर तो चाहिए। सबसे पहले चला के देखो कि मोटर प्रोपेलर का लोड उठा रहा है या नहीं उठा रहा, और अगर है तो उंगली पलक जाएगी। ओ माय गॉड, ना मोटर खराब, ये तो उल्टा सीधा घूमता भी नहीं है। इसे बैटरी डाउन है क्या? नहीं चार्ज है बैटरी, तो बैटरी चार्ज होती नहीं है। देखो ना इसे निकालो प्रोपेलर को, अब लगाओ, देखो प्रोपेलर मोटर के हिसाब से थोड़ी ज्यादा भारी है। अब दिक्कत ये आती है, मतलब दिक्कत तो कुछ नहीं आती, इसे निकालो, एक काम करो इस वाले डिब्बे को निकालो, निकालो पकड़ दोनों हाथों से, भारी डिब्बा यहाँ रख दो, इसे चला के देखना। ना इसे तो ना इसे कोई फायदा नहीं है, ज्यादा भारी हो जाएगा। 3 वोल्ट का मोटर देखो इसमें, देखना ये चल जाए, 140 नंबर मोटर है। ऐसे लगा लो पहले सॉकेट को, कनेक्टर नहीं चल रहा, दूसरे देखो बहुत रखे हो जाता ना कभी गड़बड़। अमन भाई प्रकट हो गए, धन्य हो प्रभु। देखना मैं इन पे एक्सपेरिमेंट करता रहता हूँ ना भाई, हो सकता है कि किसी के मैंने अंदर आर्मेचर बाहर कर लिया हो, है ना, वो नहीं चल रहा, ये चल जाएगा, नहीं चल रहा। ओ माय गॉड, बेइज्जती वीडियो में यार, इसमें आर्मेचर तो है, जब ये तो है शाफ्ट करने में, तो आर्मेचर निकाल लेता हूँ। चलाओ दूसरा, चलाओ बहुत सारे, भर मार मार, नहीं चल रहा, ये चला के देखना। चलिए चलिए चलिए, एक काम करे वाला चलाओ, ये थोड़ा भारी मोटर, मोटर के तो मुंह हो जाए भाई, मोटर की कोई दिक्कत नहीं। नहीं चला, क्या हो गया यार, देख रहे हो गाइस। हाँ
ये है पावर है। इसे लगाओ प्रोपेलर में, ये कब चला के देखो। अरे उंगली रखना अपनी, काटा का नहीं लेंगे, फिर भी उल्टी घूम रही है शायद, रुकना। हाँ ठीक है, घुमाओ ओए घुमाओ। देखो ये बैटरी में जो ना ज्यादा हाई एम्पियर नहीं होते, मतलब हाई करंट की बैटरी नहीं होती, सिर्फ 9 वोल्ट समझो बैटरी। जो पावर है वो बहुत लो है, इस मारे लोड कम उठा पा रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, एक बार इसे चला के देखना। स्कूल के अंदर पढ़ते हो बाहर पढ़ते हो? अंदर पढ़ते हो। कभी बंक किया स्कूल? कभी स्कूल भाग गए स्कूल से, छुट्टी ले गए? नहीं यार ऐसा लगता नहीं। अच्छे बच्चे हो जी, ये भी नहीं लग रहा। चला ना आराम से लगा ना। इसमें तुम बॉडी से टच तो नहीं कर रहे? इसको बड़ी प्रॉब्लम है, हो सकता है इससे टच हो रहा हो बॉडी से। ये दिक्कत थोड़ी है, इससे टच हो रहा बॉडी से। चला हवा भी कर रहा है, गहरा लोन हवा। लेकिन आई एम सॉरी, ये बैटरी नहीं मिलेगी। क्योंकि ये स्कूल वालों के लिए है प्रोजेक्ट, स्कूल वालों को हमको चीज नहीं देते। तो भैया बात ये है, ये जो प्रोपेलर है इस मोटर पर भारी पड़ रही है, और ऊपर से गाइस हमारी बैटरी हाई करंट की नहीं है, ये 9 वोल्ट की बैटरी है, इतना हाई करंट ये नहीं देती। तो भैया गए हैं, मैंने कहा भाई छोटी प्रोपेलर लेकर आओ, हमारे पास है। मैं कहा भाई लेकर आओ। तो दोनों बच्चे, दोनों बालक गए हैं और प्रोपेलर लेकर आए हैं। मेरे पास बच्चे आते रहते हैं, तो मैं सोच रहा था यार क्या व्लॉग बनाऊं, फिर सोचा नहीं यार कुछ हमारे सब्सक्राइबर को व्यूअर को कुछ नया मिलेगा कि बच्चे कैसे कैसे प्रोजेक्ट बनते हैं, कैसे कैसे बिहेव करते हैं। तो इसलिए गाइस मैं व्लॉग बना रहा हूँ, कुछ आपको नया मिलेगा। तो गए हैं लेने, देखते गाइस क्या लेकर आते हैं। तो इतना ही काम तो हो गया है। हाँ भाई लोंडो, क्या लेकर आया हो माल? हाँ ये प्रोपेलर ठीक है, बेशक ये हवा नहीं देती हो, बट ये प्रोपेलर मस्त है, इसे रखते हैं भैया। अमन भाई रख दो साइड में, लगाओ बच्चा पार्टी। यार जब आ करो ना, तो जितनी भी चीज तुम्हारे पास हो कर ना, सूटकेस वूटकेस, जब मैं तुम्हारी उम्र का था ना, तो मेरे सूटकेस जो कनस्तर ना टीम के भरे रह करे भाई सब, इनसे तुम्हारी भी है ना, सारा सामान ले करो, उससे हम कुछ और बना सकते हैं ना। चलो दिमाग में कुछ भी आ सकता है, ऐसे तो सोचते नहीं है, अचानक दिमाग प्रोजेक्ट आ जाता है देख के सामान। भाई मैं तो कबाड़ा देख कर ही मेरे दिमाग में तो घूमने लगता है, इससे ये बन जाएगा। कबाड़े वाले भैया के मैं 2-3 दिन में चक्कर लगाते रहता हूँ तुम्हारे, आप देखते हो गाइस मैं कबाड़ा चीजें बनाता हूँ, इसलिए बनाता हूँ क्योंकि मुझे पता लगती रहती है। ये बढ़िया ना, हाँ ये हवा भी ठीक दे रही है। ठीक है अब कैसे करना, सोलर पैनल है? सोलर पैनल नहीं है। चलो कोई ना बनाओ, तुम्हें क्या चीज करने के लिए? ग्लूगन? यस सर। यस सर। कौन सी है, हार्ड वाली? चलो हार्ड वाली ले लो, अगर से टीचर छुटाएंगी भी तो भी नहीं छुटेगी, ऐसी बात ना छुट जाएगी। अबे भैया एक हाथ में क्यों दे रहे हो, तो बहुत भारी है। अरे मार लिया, हाथ तोड़वाओगे भाई। लगाओ लोंडो, बच्चे आएंगे खुद प्रोजेक्ट बनाएंगे, इस बहाने ने कुछ सीखने को मिलेगा, उनकी क्रिएटिविटी बढ़ेगी। वरना भाई हम तो बनाते रहते हैं, साल हो गए 3-4 साल से बनाए रहे हैं प्रोजेक्ट, बस प्रोजेक्ट बना रहे हैं। आरन ये तो है। अच्छा देखो इसमें गर्म नहीं होता ज्यादा, है ना, इसका ये फायदा है। बहुत देर से लग रहा है, शोल्डर जिसमें होगा देगी। ऐसा कौन सा स्कूल है जिसमें एक प्रोजेक्ट से 2 बच्चों का काम हो जाता हो? हमारे स्कूल में तो कारनामे हो जाया करते थे भाई। यकीन मानिए मैं अपने स्कूल में जब मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहा था, तो भाई मैंने कम से कम 8-9 बच्चों के प्रोजेक्ट बनाए होंगे, यकीन मानो भाई। क्योंकि मैं वेल्डिंग कर लेता था, लकड़ी सीधी काट लेता था, इलेक्ट्रिकल का काम भी कर लेता था, मतलब सारे काम, है ना, मल्टी टैलेंटेड आदमी, मल्टी टैलेंटेड पर्सन कहते हैं उसे भाई। कोई वो वाली बात नहीं है, कोई बड़े वाली बात नहीं है, ये किसी के अंदर होता है। कोई कोई बंदा ऐसा होता है हमारे घर में, हर घर में मिल जाएगा एक बंदा जो भाई पक्का जुगाड़े होगा और हर काम वो कर लेगा बहुत आसानी से, मतलब उसे मजा भी आएगा और वो अपनी खुशी से कर भी लेगा। मैं अपनी खुशी से करता था, है ना, बहुत सारी चीजें मैंने बनाई गाइस, मैं ज्यादा के बनाता, लेकिन भाई टाइम ही नहीं था। हर स्टूडेंट हमारा मेरा दोस्त मेरा ही बनाते, लेकिन भाई टाइम ही नहीं है, दिक्कत थी। बस सिंपल प्रोजेक्ट है। देखो प्रोजेक्ट ऐसे नहीं होता कि तुमने खाली यूट्यूब पे देख लिया उसे बना लिया, प्रोजेक्ट का मतलब है आराम से तसल्ली से बैठ के सोचना। किसी भी एक चीज को पकड़ लो, सपोज करो मोटर को तुमने पकड़ लिया, अभी सोचो कि इसके अंदर मैं एडवांस क्या कर सकता हूँ, खूब गहराई से सारा कॉन्सेंट्रेट एक जगह लगाकर इसमें और हम क्या कर सकते हैं, जब ही निकल आएगा प्रोजेक्ट, समझ बच्चा पार्टी। और ये दिमाग से निकल आएगा, कहीं से भी नहीं आएगा निकल के। अभी तुम करो इस लेवल पर, जितना लेवल पर तुम कर सकते हो, बाकी आगे को जब तुम आगे क्लास में आओ 8th क्लास में, तो पहले ही सोच लेना कि क्या बनाना, फिर तुम मेरे पास आना, सौर भाई हमने ये सोचा, फिर हम उसे अंजाम देंगे प्रोजेक्ट को, ठीक है? तुम्हारी मुँह चारी, तुम पढ़ रहे हो या शादी वादी के चक्कर में? ये लड़का ठीक है, इसकी मुँह चना रही। शेविंग कर ली भैया, अभी तुम्हें एक स्विच की जरूरत है। ससुर है तुम्हारे घर पे, इतने टीन भरे पड़े गई है प्रोजेक्ट के सामान के, सारा कंफर्ट्स गरीब से ले रहे हैं। लगाओ कौन सा स्विच लगेगा इसमें? हाँ ऐसे खुलेगा ये, मान लिया भाई। एक डिब्बा और दो, उसमें और स्विच रखे दूसरे वाले में, छोटा स्विच बहुत है इसमें, चलो ये भी रहने दो, बड़े स्विच है, इससे भी छोटा स्विच है मेरे पास। छोटे छोटे प्रोजेक्ट में छोटे छोटे स्विच नहीं है, इसमें भी नहीं है वाला, देखो दूसरा वाला, ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला, इसमें होगा वैसे, देखा नहीं है, खोलो इसे। देखो इतने सारे स्विच है, ये सही है, छोटा स्विच अच्छा लगेगा, 5 रुपए दे देना। देखो भाई मजाक नहीं भाई, जल्दी से फटाफट हिसाब लगाओ कितने रुपए बैठे, कैसे लगाना, चिपकाओ इसे। सबसे पहले देखो कि कहाँ आसानी पड़ेगी स्विच को ऑन ऑफ करने में, हमारा हाथ ना, है ना भाई, हम इसे ऐसे यूज करेंगे, तो हम यहाँ पे लगा सकते हैं स्विच, यहाँ से खोल दिया, या यहाँ लगा सकते हैं मोटर पर। मोटर पर लगा दोगे तो ये थोड़ा और भार हो जाएगा, थोड़ा यहाँ लगा दो, वरना मोटर पर काफी आसानी रहेगी। लगा लो कहीं ज्यादा मन करे, मैंने बता दिया, अपना दिमाग यूज करो, सही रहेगा। ऐसे दिक्कत हो जाएगी क्योंकि प्रोपेलर आएगी ना, अगर ऐसे तुम इसे लगा दोगे तो प्रोपेलर आएगी हाथ, पंखड़ी जो प्रोपेलर है पंखड़ी इसे वो लगेगी, तो ऐसे लगाओ, या आप इसे ऐसे भी लगा सकते हो, इसे फिलहाल तो इधर ही लगा लो, ऐसे यहाँ से स्विच ऑन कर लिया, ऑफ कर दिया। चलो कनेक्शन करने आते हैं स्विच के।
हलवा है बाबा रामदेव का, लगाओ। बस बस सब ठीक है। तो ये ऐसे वासी नहीं रहेगी खोलने में। चलो लगाओ सोल्डिंग फटाफट। भाई इसमें और क्या हो सकता है, हम ढूंढ रहे हैं एलडीआर। हम इसमें एलडीआर कनेक्ट कर सकते हैं लेकिन हमें एलडीआर नहीं मिल रहा। पता नहीं आजकल मेरे पास सामान कम क्यों पड़ रहा है, मतलब बहुत सारी चीजें मैं एक साथ लेकर आता हूं लेकिन ये दिक्कत वही हो जाती है कि भाई अरे मिल गया भाई। वाह तुम्हारी किस्मत बच्चा पार्टी, एलडीआर ले मजे करो। एक ही है भैया बस। तो गाइस थोड़े से चेंजेस किए, स्विच निकाल दिया है और इसमें हमने लगा दिया ट्रांजिस्टर 100 के का रेजिस्टेंस। आप इसकी जगह 10 के का भी यूज कर सकते हो। और एक एलडीआर हमारे पास सिर्फ 100 के का रेजिस्टेंस था तो भैया 10 के का नहीं था तो हमने ये लगा दिया। और ये काम कैसे करेगा, थोड़ा सा जो ना मोटर जैम है, देखिए मोटर जैम है, देखिए चल रहा है। पौधे में पात रखूंगा, देखिए हाँ प्रोपेलर लगाऊंगे। लगो बच्चा बैठी प्रोपेलर सही है, तार को हटाओ इसे, ये ट्रांजिस्टर से तार टकरा रहा है इससे प्रोपेलर से। देखो चल जा भाई, देखो चला और कम हो गया गाइस, ये लाइट के आगे नहीं है, देखो लाइट करके जाएगा तेज हो गया। और देखे अब मंद हो रहा, जैसे जैसे नीचे आऊंगा मंद होता चले जाएगा, देखो मंद हो गया, देखिए स्पीड काफी लोगे रुकी गई। अरे मोटर थोड़ा सा जाम है, दिक्कत ये है। बहुत ही बढ़िया पकड़ा तुमने, घुमाओ चले बच्चा पार्टी, एक पकड़ा बस सारा काम मैं करो, तुम भी कर लोगे। रुक जाओ एक तो सेल्डा को ऊपर करो जिससे कि इस पे थोड़ी सी प्रोपेलर की शेड होना इस पर है। देखो घूम रहा सही, बाहर निकल के देखो बाहर, आओ बाहर चेक कराते हैं। बच्चे बहुत मेहनती है, वो बात अलग है, इनके पास सामान नहीं है, सामान के अभाव से टैलेंट में कमी भी आ जाती है बाई चांस। ठीक है काम कर रहा है, अब ऐसे ढकोगे हो गया बंद, खोलता हूँ। लो भाई सही है, मस्त बिल्कुल काम कर रहा है। पहले बना के देखा था, काम करा काम ही नहीं करा, अब काम करा। कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत दिक्कत होती जरूर है हर चीज को, अगर मोटर जैम है ना, पहले हमने ट्राई किया था एक बार वो नहीं चला तो वो मोटर जैम था, तो दूसरे तरीके से कर सकते हैं इसे। जो ना पूरी लाइट चाहिए अंधेरा, अगर हल्की सी भी इसके ऊपर रोशनी आएगी ना तो ये कम काम करेगा। अभी मैं आपको एक जुगाड़ बताता हूँ, आ जाओ। जुगाड़ की तो भाई हमारे पास कमी नहीं है, जुगाड़ हमारे पास ये है कि देखो ये है एक, इसे यहाँ लगा दो, इसे कहते हैं हीट सिंक। जो ना थोड़ा सा लगा हल्की सी पिचका देंगे यहाँ से, जिससे इसका मुंह एक जगह से बंद हो जाए। ठीक है अब देखते हो ये बिल्कुल इसके अंदर चली जाएगी, कैप रहेगी इसकी। और देखो ये चल जो ना रहा है मोटर, ये बैटरी कंज्यूम करेगा ज्यादा इस तरीके से, बंद हो गया तो बाहर चल के देखते हैं है ना कैसा काम कर रहा है। देखो बिल्कुल भी काम ना कर रहा है ना, रिसेट करूंगा इसमें थोड़ा सा ऑयल डालना पड़ेगा मैं मोटर में, देखो सही है ना, इस कैप को रखना है इस पे है ना, इसमें थोड़ा सा ऑयल डालते हैं। मोटर बिल्कुल स्मूथ होना चाहिए वरना बिना बात की वो बैटरी कंज्यूम करेगा, बैटरी जाएगी लो। तो लोंडो तुम्हारा यार कनेक्टर उठाओ फटाफट से और चलते बनो। तो गाइस जब आए थे तो ये कह रहे थे कि हमें एलडीआर वाला प्रोजेक्ट बनाना है, तो उन्होंने पहले कोशिश की थी, इनका नहीं चला लेकिन चल गया, ऐसी बात नहीं, थोड़ी बहुत कमी होती है ना तो वो हो जाती है दूर। अब इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल देते हैं, ऑयल तो इसमें डालना बेवकूफी है, मतलब ऑयल तो हम डालेंगे लेकिन कुछ हल्का फुल्का डालेंगे, मतलब जैसे मोबाइल ऑयल नहीं डालेंगे, ग्रीस नहीं लगाएंगे, हल्का फुल्का था यार। सिरिंज होनी चाहिए थी वैसे, सिरिंज होता है काम इसमें जो ना ज्यादा चल जाएगा निकल जा। एक चीज और है हमारे हिंदुस्तान में, स्क्रू ड्राइवर, जो कि भाई मल्टी टैलेंटेड टूल है। अभी देखते हैं यार ये काम करता नहीं करता है, मोटर हम खोल भी सकते हैं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन खोलेगी थोड़ा सा एम्पियर डाउन हो जाते हैं ना, और बैटरी में तो ऑलरेडी करंट कम है, ऊपर से भाई एलडीआर लगा दिया तो और फर्क आ गया थोड़ा सा। पहले डायरेक्ट बैटरी चला रहे थे ना तब भी बैटरी इस मोटर को लोड नहीं उठा रही थी। भाई एक बार बैटरी का वोल्टेज भी तो चेक कर लेते हैं यार, बैटरी लो है, नहीं चमक रहा, बैटरी 7 वोल्ट अप्रोक्स दे रही है जबकि गाइस ये 9 वोल्ट की बैटरी है, हमारे गड़बड़ कर रही है। अब छोड़ो तो मैं करने का, घर में सोल्डिंग आ रहे क्यों ना होगा, हमारा है नहीं है इनसे ले लेना, वैसे भी तुम करोगे क्या, दोनों का एक ही प्रोजेक्ट है तो तुम करोगे क्या। तो भैया इन दोनों का एक ही प्रोजेक्ट है भाई, मैं देखूंगा आप अलग अलग बना के ले जाओ, ज्यादा खर्चा थोड़ी आएगा इसमें। और इसकी बैटरी चेंज करो घर जाके, 9 वोल्ट की बैटरी लाओ, और हो सके तो भाई एक मोटर ले आना, 10 रुपए का मिलता है मोटर ये, और हो सकता है तुम्हें 15 का मिले, मुझे 10 का मिलता है मार्केट में, 10 वाले इंदु वाले भैया के इसे ले लेना। ठीक है हापुड़ शॉप है भैया, मैंने आपको दिखा रखी है, उन्हीं शॉप से मैं लाता हूँ, और ये मुझे मोटर 10 रुपए का मिलता है। और काफी लोग कमेंट आती है सर ये मुझे 15 का 20 का, एक भैया कमेंट आई थी 50 रुपए का मिलता है, यार इतना मत लूटा करो यार शॉप वालों, भैया इतना मत लूटा करो यार, अच्छा नहीं लगता ना है ना यार, 5 रुपए ले लो 6 रुपए ले लो 8 रुपए ले लो, अभी थोड़ी है भाई तुम 10-20 मतलब डबल तिबल में बेको यार रेट में है ना, अच्छे नहीं लगता यार ऐसे दुकानदारी, ठीक नहीं है। फिर आदमी सोचता है कि चलो ऑनलाइन लेकर आए, मैं तो भाई सबसे पहले वैसे ऑफलाइन ट्राई करता हूँ। चलो भाई काम कर रहा है तुम्हारा, इसे मत निकालना, इसे निकालोगे नहीं चलाते एक बार मोटर को चलाना जरूर, वरना ये बहुत जल्दी बैटरी कंज्यूम करेगा। कनेक्शन एक बार और देख लो लोंडो, कनेक्शन समझ में आ गया, बहुत इजी कनेक्शन है। चलो मैं ऐसे बताता हूँ सीधा, पिन से बच्चों के समझ में नहीं आता क्या आउट कौन सा कौन सा, देखिए ये नेगेटिव है ट्रांजिस्टर का, फेस हमारी तरफ है, ये BC547 ट्रांजिस्टर है जिसकी थर्ड लेग है और सेकंड लेग है, इसको हमने 100 के का रेजिस्टेंस लगा दिया, आप 10 के का लगा सकते हो, मेरे पास है नहीं 10 के का लगा लेना। ओ भैया जो एलडीआर के दोनों लेग है, एक लेग इस पे लगा दो, एक लेग डायरेक्ट मैंने पॉजिटिव पे लगा दी, एलडीआर के नेगेटिव पॉजिटिव नहीं है तो कौन सी लगा दो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब जो ट्रांजिस्टर के फर्स्ट लेग है ये आउटपुट है, और ये एक आउटपुट ये है पॉजिटिव पे सीधा मोटर के, ठीक है तो इस हमने निकालेंगे ना तो ये काम करना स्टार्ट कर देगा। अब ले जाओ भागे चले जाओ और मौज करो, ठीक है, और दोनों अलग अलग बनाना सुतरो, और इसका जो है ना बैटरी चेंज कर लेना, नई बैटरी लगाना, बैटरी थोड़ी सी अच्छी लेना है बैटरी की, ये सबसे घटिया क्वालिटी की बैटरी है, 15 रुपए की मिलती है, 15 के 20 की जो मिले हैप्पी टाटा बाय बाय।
तो भैया बच्चे व्लॉग देखते हैं ना, तो आसपास के बच्चे अब आने लगे हैं, कवर कर रहे हैं। मैं भी इसलिए सोच रहा हूँ चलो यार अच्छी बात है, कुछ हमारे यूएस सब्सक्राइबर को नया मिलेगा। अगर उन्हें प्रोजेक्ट बनाना होगा, बच्चे ज्यादा देखते हैं वीडियो आई थिंक, तो वो प्रोजेक्ट बना सकते हैं। बहुत सिंपल प्रोजेक्ट था और यार 7 क्लास, यार 7 क्लास में और क्या होगा। मैंने भाई काफी चीजें बता दी इस व्लॉग में, कैसे कैसे प्रोजेक्ट हम बना सकते हैं, साइंस प्रोजेक्ट बना सकते हैं। ये गाइस एक छोटा सा प्रोजेक्ट था जो कि इलेक्ट्रॉनिक कैटेगरी में आता है। प्रोजेक्ट तो भाई वो है कि जो कभी बनाए ना हो, अलग टाइप का बिल्कुल। मतलब पहली प्रिपेयर करना पड़ेगा, जब मेरे दिमाग को चाय देते मैं तुरंत लिख लेता हूँ। हाँ मैं सोचता हूँ कि भाई इसमें और क्या हो सकता है, मतलब और क्या क्या हो सकता है। खैर बहुत सारी बात होगी, ब्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा। तो भाई बच्चे खुश, और भाई जिसको आना है आ जाओ, आपके भाई का घर है, यानी कि गाइस आपके घर है और भाई भाई का किसी ने क्या बटा, वो बात अलग है। मैं लुट गया, बर्बाद हो गया, मेरा एलडीआर चला गया, एक रेस्टोरेंट चला गया, एक ट्रांसटर चला गया, मोटर भी ले गए और अपने पास से वो क्या बस भाई उनकी बैटरी थी और कुछ नहीं थी, अपना मोटर यही छोड़ गया जो कि काफी छोटा मोटर था। तो खैर आयो फ्रेंड्स, ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा प्लीज दोस्तों लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और भाई साहब जरूर बताएं ये ब्लॉग आपको कैसा लगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, जल्दी मिलते हैं, बाय बाय।